तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम आप लोगों को कैसा एडिट सिखाने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों को स्नैपसीड एप्लीकेशन के मदद से ऐसा बैकग्राउंड चेंज करना सिखाऊंगा ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोग को फेस क्लीन और बाल को कैसे बनाया जा सकता है, जैसा कि मैंने इस फोटो में बाल को भी बनाया है। तो अभी मैं सारी प्रोसेस आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इस एडिट को सीखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो कम्प्लीट देखे। और मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग लेके आता रहता हूँ। तो चलिए ज्यादा देर करते हुए ले चलते आप लोग को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे स्नैपसीड को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक बड़ा सा प्लस का आइकन मिल जाएगा। तो सिंपली इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो गैलरी में जितना हमारा फोटो होगा सब यहाँ पे शो होने लगेगा। और यहाँ पे आप लोग को जो फोटो को एडिट करनी हो वो फोटो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फोटो को एड कर लेते हैं। और एड करने के बाद यहाँ पे एडिटिंग का भी ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है। और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक ट्यून इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अगर ब्राइटनेस कम है तो ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ +21% तक। और कॉन्ट्रेस्ट को भी हल्का बढ़ा देते हैं। और सेचुरेशन को क्या करना है, आप लोग को माइनस कर देना है इसको -30 के राउंड, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को हाईलाइट को हल्का बढ़ा देना है, ठीक है। जैसे कि हाईलाइट को कर देना है आप लोग को +21। उसके बाद आप लोग क्या करना है, नीचे डन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसको डन कर देना है, ठीक है। और डन करने के बाद आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ऊपर आप लोग को मिल जाता है यहाँ पे अंडो का ऑप्शन। तो अंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू एडिट का। तो सिंपली व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। और व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्यून इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है, अपने फोटो को जूम कर लेना है। और जूम करने के बाद आप लोग एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पे ये ट्यून इमेज का ऑप्शन 100 है तो 100 ही रहना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को इसको अपने फेस पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फेस पे अप्लाई करते ही देख सकते हो यहाँ पे फेस हल्का गोरा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जितना गोरा करना चाहते हो वहाँ से आप लोग को ब्राइटनेस को और सेचुरेशन को जो माइनस किया था वहाँ पे वो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं गोरा, तो सिंपली हम इसको कुछ इस तरह से इसको अपने स्किन पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का बचा हुआ है, इसको भी हम एकदम आराम आराम से अप्लाई कर देंगे। और मैं बता दूँ, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे हाथ पे भी बचा हुआ है थोड़ा, तो इसको हाथ पे भी अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह से करने के बाद आप लोग को क्या करना है, डायरेक्ट डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को डन वाला ऑप्शन, जैसा कि पता है कोना में दिया गया है, तो डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डन कर देना है। उसके बाद फिर से आप लोग को बिफोर आफ्टर देख सकते हो और आप लोग को बैक चलना है, ठीक है। और बैक जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर से ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है डिटेल का, तो डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे शॉर्टकट को बढ़ा के 45% रख देंगे और शार्पनिंग को भी यहाँ पे +19% कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कर देंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो फोटो अभी बिफोर और आफ्टर, अभी ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है फोटो में, तो आप लोग ध्यान से देखते रहे, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आप लोग को टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, नीचे आप लोग को मिल जाता है डबल एक्सपोजर का ऑप्शन, ये रहा। तो सिंपली इस पर क्लिक करके हम यहाँ से बैकग्राउंड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए हम क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, तो ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जो मैं बैकग्राउंड आज यूज करने वाला हूँ, जैसा कि ये वाला, अगर आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसके बाद इसके ओपासिटी को हम 100 कर देंगे, ठीक है। तो ओपासिटी वाला ऑप्शन ये रहा, इसको हम 100 कर देंगे, फुल कर देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को कर देना है नीचे से डन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को डन कर देना है। और सिंपली डन करने के बाद आप लोग देख सकते हो अभी बैकग्राउंड दिखने लगेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, फिर से अंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसा कि ये रहा। तो व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सबसे ऊपर मिल जाता है एक डबल एक्सपोजर का ऑप्शन, जो अभी काम किया है आपने। उसके बाद आप लोग को बीच में एडिट के ऑप्शन से यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करें, ठीक है। तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आप लोग को। और आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते रहे, जो ये दिख रहा है आप लोग को ये डबल एक्सपोजर, ये 100 ही रहना चाहिए, तभी बैकग्राउंड कटेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। तो आप लोग को क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में अपने मॉडल को छोड़ के बैकग्राउंड में एकदम अच्छे तरह से अप्लाई कर देना है, एकदम बारीकी बारीकी से। और आप लोग को एकदम आराम आराम से करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से करने वाला हूँ, हाँ। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि अगर मान लो कि ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट को अगर अप्लाई हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे माइनस एरो करके इसको जीरो कर दीजिएगा, और जीरो करने के बाद आप लोग को फिर से अप्लाई कीजिएगा, तो वो जो इरेज हो जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट वो वापस आ जाएगा, फिर से उसके बाद आप लोग
को 100 कर देना है, ठीक है भाई। तो इस प्रोसेस में आप लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और इस तरह से बैकग्राउंड को इरेज कर देने के बाद हमारा फोटो अभी कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, और उसके बाद आप लोगों को कर देना है डायरेक्ट डन, ठीक है। तो आप लोगों को डन वाला ऑप्शन साइड में मिल जाता है, तो डन कर देंगे यहाँ से। तो सिंपली इसको डन कर देंगे, और डन करने के बाद आप लोग को बैक चलना है एक बार। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि पहले भी गए थे, तो ट्यून इमेज का ऑप्शन। तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, और यहाँ से ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा देते हैं 7%, और कॉन्ट्रास्ट को हल्का बढ़ा देते हैं +22, और यहाँ पर कर देंगे हाईलाइट को भी हल्का बढ़ा देते हैं जैसे कि +20 या फिर 34% अपने फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। उसके बाद डन कर देना है आप लोग को, और डन करने के बाद फोटो अभी हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद इस फोटो में एक काम रह गया है, बाल बनाना, ठीक है। तो बाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ से आप लोग को सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग को सबसे ऊपर शेयर वाले ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली शेयर वाले ऑप्शन से इस फोटो को शेयर कर देंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर, ठीक है। तो बाल हम ऑटोडेस्क स्केचबुक से ही बना सकते हैं, स्नैपशीट में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ से स्नैपशीट एप्लीकेशन में इस फोटो को शेयर कर देंगे, और शेयर करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे जो बाल कितना खराब टाइप का लग रहा है, तो वहां पे हम बाल बनाएंगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग को ब्रश टूल वाले ऑप्शन पे जाना है, और ब्रश टूल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को जो मैं ब्रश ले रहा हूँ वो ब्रश आप लोग को लेना है, जैसा कि ये वाला ब्रश लेना है आप लोग को स्मूथ वाले ऑप्शन में से, ठीक है। तो ये वाला ब्रश ले लेंगे, और लेने के बाद आप लोग को इसका सेटिंग दिखाया, तो सेटिंग आप लोग को किस तरह से रखना है। तो सेटिंग यहाँ पे साइज को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अपने फोटो के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। उसके बाद फॉलो और स्ट्रेंथ को आप लोग को कितना कितना रख, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख ले, ठीक है। तो यहाँ पे इतना रखने के बाद आप लोग को कट कर देना, और कट करने के बाद आप लोग को जैसा बाल आप लोग को जैसा बाल आपको घुमा रहेगा उस तरह से आप लोग को इसको घुमा के अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोग को वैसा ही कर देना है, ठीक है भाई। तो यहाँ से कुछ इस तरह से बाल को ऐसे अप्लाई करेंगे जैसे कि हम वह स्नैपशीट एप्लीकेशन जो कट किए थे ना, वो पता नहीं चलना चाहिए कि फ़ोटो का बैकग्राउंड हमारा कटा है, ठीक है भाई। ऐसा लगना चाहिए कि फ़ोटो हमारा रियल बैकग्राउंड पे शूट किया गया है। तो इसको हम आराम आराम से बाल को बना देंगे, और यहाँ पे बाल को बना देने के बाद फोटो हमारा कितना बेहतरीन तरीका से एडिट हो चुका है। और इस तरह का एडिट करने के लिए आप लोगों ने देख लिया है कितना कम टाइम लगने वाला है आप लोग का, और कितना कम प्रोसेस में आप लोग इस तरह का फोटो एडिट कर सकते हो, ठीक है भाई। और एक काम रह गया आप लोग को कि इस फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए आप लोग क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है गैलरी का। उसके बाद यहाँ से आप लोग को सेव करंट स्केच कर देंगे, तो फोटो हमारा एकदम बेहतरीन क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाए। तो फाइनली हमारा फोटो एडिट हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार फोटो एडिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे दोस्तों।